पंजाब दे डिस्ट्रिक्ट कपूरथला दे एक मसीही परिवार विच परवीन मसीह दा जन्म होया अते उस दा व्याह अमरीका विच रहण वाले पास्टर जूनस मसीह दे नाल तय होया। मेरी शादी जब 2009 च होई तां सी बहुत खुश सी। साडा नेचर मेरा बहुत नेचर खुश सीगा, मेरे पति दा भी उदां दा ही सीगा ते साडी दोवां दी जिंदगी बहुत असीं खुशी खुशी नाल बतीत करदे सी। 2012 दे विच मेरे बच्चा पैदा होने वाला होया। जब बच्चा होया पैदा होने वाला सीगा 7 महीने तक तो मैं ठीक ठाक रही। 7 महीने जदों एंड दे विच गया, लास्ट दिनों दे विच अचानक ही मेरे थोड़ी सी दर्द होने लगी। जब दर्द होने लगी असी हस्पताल च गए तो डॉक्टर दे आने भी पहला कुछ थोड़ी देरी हो गई। जब डॉक्टर आया तो उन्हें आन के स्कैनिंग की तो उन्होंने कहा कि तुहाडा बच्चा जिहड़ा वह मर चुका। इस खबर ने परवीन दियां खुशियां नूं जिवें एक ही चटके विच तबाह कर दिता, पर अजे उस दे दुख अते पीड़ा दा अंत नहीं होया सी। जब इन्नी गल कही तो मैं तो बिल्कुल टुट गई। ये मैनू कहिंदे कि कोई गल नहीं, स्कैनिंग रूम चो मैनू बाहर लैके आए। जब मेरी मदर इन लॉ को यही खबर का पता चला तो मेरी मदर इन लॉ तो बहुत दुखित हुई। तो वो मेरे से तो जो दुखित हुई इनको बोलती कि प्रवीण को टूटने मत देना। फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, फिर मिसकैरिज होया, 4 दफ़ा मेरा इस तरह होंदा रहा। जब 4th दफ़ा होया, जिस तरह इंसान डिप्रेशन में चल जाता इदा मेरे नाल होंदा सीगा, तो मैं रोती रहती थी। ये मेरे पास जब भी आते थे मुझे यही कहते थे, खुदा ने तुझे दुगना करके देना है, खुदा ने तू प्रवीण तू ना रो ना रो। फिर जब इन्होंने पता लगा कि प्रवीण अजे टुटी आ, ये मैनू कहिंदे कि जा तू मम्मी को चल जा, इंडिया चल जा। इन्हें मेरी टिकट बुक करवा दिती तो मैं इंडिया गई। पंजाब पहुंच के प्रवीण परिवार नाल मिल के जार जार रोन लगी। तद प्रवीण दी सस उसनू एक प्रार्थना सभा विच लैके गई। प्रेयर दे विच मैं अपने मेरे आंसू बैठ रहे थे, मैं रो रही बहुत, मैं रोन रही उच्ची उच्ची। मैं खुदा बापा अज मैं ऐदा नहीं जाना, मैनू प्रभु जी अज तुसीं आशीष दो, मैं खाली नहीं जाना। खुदा दे दास ने भी बोल दिता कि इत्थे एक भैण आ ओह बहुत रोन रही आ, तां ओह अथरुआं दे नाल रोन रही आ। सचमुच कि ओनू खुदा आशीष देन जा रहा, ओनू बरकत देन जा रहा खुदा। उस शाम प्रवीण ने पूरे दिल नाल परमेश्वर दे नाम नूं पुकारिया अते पूरे विश्वास दे नाल उस दी आशीष नूं अपने जीवन विच स्वीकार कीता। उस तो बाद थोड़ी देर बाद फिर मैं डॉक्टर के दे कोल जानी आ, ते डॉक्टर ने मेरे सारे टेस्ट कीते। डॉक्टर कहिंदे कि तू प्रेगनेंट आ, तेरे पेट में 2 बच्चे हैं। हमारा बिलीव और भी खुदा में हम लोग बढ़ते गए। हम खुदा के आगे रोते रहते थे कि खुदा बाप ये बच्चे तूने दिए हैं, ये इनको तूने ही संभालना है। ता जब मैं दुआ करनी तो फिर खुदा ने मैनू अपने दर्शन दिते तो मैनू कहिंदे बेटी तू डरना, मैं तेरे नाल हूँ। 23 जबूर मैं बहुत पढ़ती होती थी, खुदावंद मेरा चरवाह है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मैं हमेशा ही ये सारा दिन सारी रात मैं ये जबूर पढ़ने, और भी मैं बाइबल में बहुत लवली रहती, मैं गाने गाती। प्रवीण नूं जुड़वां बच्चियां दी आशीष मिली। अज प्रवीण अपनियां सारियां बुरियां परिस्थितियां नूं भुला के अपने पति अते दोवां बच्चियां दे नाल खुशहाल जीवन बतीत कर रही है। तो ये बच्चे खुदा ने ही दिए हैं। असीं यही कहिंदे हुंदे कि खुदा बाप साडे बच्चे भी साडे वर्गू जिस तरह ही दुआ करदे आ, ये भी दुआ दे विच अगे निकलन। अब हमारे साथ वो भी इकट्ठे बैठ के हमारे साथ संगति करते हैं और खुदा की सेवकाई में है। हमने ये बच्चे खुदा को दिए हैं। जेडे अज दुखी लाचार आ, मैं उन्हां नूं भैणां नूं कहना चाहुंदी आ कि तुसीं भी खुदा दे अगे रो। जिस तरह हन्ना दी दुआ नूं खुदा ने सुनिया, मैं एक हन्ना दी तरह सीगी कि मैं बहुत रोंदी हुंदी सी कि खुदा बा तू हन्ना दी दुआ नूं सुनिया, तू मेरी दुआ नूं भी सुन। हन्ना दी दुआ नूं सुनिया, मेरी भी खुदा ने उस तरह ही दुआ नूं सुनिया और मैनू जवाब दिता खुदा ने। तुसीं भी खुदा दे अगे इस तरह ही दुआ करो जिस तरह मैं दुआ करदी सी, तुहानूं भी खुदा इदां ही आशीष दऊगा।